हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। जिहड़े भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, वो बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सारा सिलेबस इस एक पर्टिकुलर चैनल तो कवर कर सकते हैं। नॉट ओनली सिलेबस विद एमसीक्यूज ऑल्सो, तो तुम ये तो अपना पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोचिंग जो है वो लै सकते हो। सारे कॉन्सैप्ट तुम्हें इतने अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है जी। अपना सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 18, ठीक है। एंड परमुटेशन कंबीनेशन आप स्टार्ट किया हो, इस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन्होंने हद तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज डोंट फोरगेट, ठीक है जी। चलो तो अज का जो टॉपिक है आपने डिस्कस करना है, एक टॉपिक है अपना परमुटेशन के रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है। सो उस आप डिस्कस करते हैं विद रैपीटेशन विदाउट रैपीटेशन, सारा कुछ ये देखा। सो रैंक वाला पूरा टॉपिक मैं अच्छ कंप्लीट कर देना है, ठीक है जी। अज का जो टॉपिक है उसका पहला नाम लिख लिए, रैंक ऑफ अ वर्ड, रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी, कि डिक्शनरी के उसका कितना रैंक होएगा कोई भी पर्टिकुलर वर्ड दिता हुआ है, ठीक है। सो डिक्शनरी के अपन पता है कि अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो मायने रखता है। वैन एवर ऑर्डर इज इंपोर्टेंट, आप गल करते हैं परमुटेशन की, है ना। सो इतने भी आप परमुटेशन की ही गल कर रहे हैं। चलो ये हूँ आप देख लें, सब तो पहले तो आप चीज कवर करते हैं जिद रेपीटेशन नहीं अलाउड, ठीक है। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट वो वाले सारे क्वेश्चन जिद स्पैशली मैनशन कर देंगे कि विदाउट रेपीटेशन दसो जी। विदाउट रेपीटेशन का मतलब हो गया कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जिद रेपीटेशन नहीं होंगी, जिमें कि फॉर एग्जाम्पल रिया नेम ले लो, ठीक है जी। रिया आर आई वाई ए, जिमें कि आप प्रीवियस एग्जाम्पल भी लिया सी। इस नेम दे विच तुसीं देख पा रहे हो कोई भी एक लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, और आपां नूं कह दिता गया फाइंड द रैंक ऑफ रिया इन डिक्शनरी, ठीक है। सो हुण दसो जी इस क्वेश्चन नूं किवें सॉल्व करांगे, ठीक है। तो इहदे विच देखो एक मैथड है, एक पर्टिकुलर वे है कि आप क्वेश्चन नूं किवें सॉल्व करना है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग करो, थोड़ा क्वेश्चन विदाउट एनी कन्फ्यूजन वधिया तरीके नाल सॉल्व हो जाया करेगा, ठीक है। सो सब तो पहला काम तुहाडा की होया करेगा, इसनूं ऑर्डर दे विच लिखना। ऑर्डर दे विच लिखना मतलब अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच लिखना कि सब तो पहला तुहाडे कोल केड़ा लैटर आंदा है, सैकंड नंबर ते केड़ा लैटर आंदा है, थर्ड नंबर ते केड़ा लैटर आंदा है, लाइक दिस, ठीक है। तो जिवें कि तुहानूं पता है ए बी सी डी दे विच सब तो पहला तो जी ए आएगा, ठीक है। सब तो पहला की आएगा मेरे को ए आएगा, ठीक है। उस तो बाद अगर आप गल करिए मेरे को की आएगा आई आएगा, फिर मेरे को आर आएगा, एंड फिर मेरे को वाई आएगा। तो इसनों मैं एक नाम दे देनी है, इसनों वन, इसनों टू, इसनों थ्री एंड इसनों फोर, इस तरीके नाल मैंने सबनों नाम दे दिता, ठीक है। तो हुण देखो मेरे को जो रिया नेम हैगा सी इस लैटर दे विच, इस लैटर दे विच मेरे को आर दा की नेम सी थ्री, आई दा की सीगा टू, वाई दा की सी फोर, एंड ए दा की सी वन, है ना। चलो आ सारिया चीज़ा तुसी प्रॉपरली समझ पाए कि मैंने कुछ नहीं किया हाल तक, सिर्फ अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच लिख के इसनों उन्हां दे नाम दे दिते, लैटर्स नूं उन्हां दे नाम दे दिते। हुण अपना काम की होया करना है, अपना काम इत्थे स्टार्ट ए हो जांदा है कि आपां ने देखो सब तो पहला आर है मेरे को, ठीक है जी। आर का केड़ा नंबर है थ्री, थ्री तो ना उधर जाओ, ठीक है। जिधर वालू मैंने आरओ का निशान लगाया उधर वालू जाओ तो देखो थ्री तो छोटे केड़े केड़े लैटर्स है, थ्री तो सॉरी थ्री तो छोटे केड़े केड़े नंबर्स है। थ्री तो छोटा एक टू है एक वन है, जस्ट टू नंबर्स ने। तो मैंने इतने की करना है टू न मल्टीप्लाई करना है कि थ्री फैक्टोरियल के नाल। मैम थ्री फैक्टोरियल किमें आया दस दें, ठीक है। तेन ने पहले अगे वधो, उस तो बाद मेरे को कि आ जाएगा जी, कुकर दियां सीटियां नूं इग्नोर करियो, ठीक है। चलो तो सैकेंड देखो जी, सैकेंड मेरे को की है, सैकेंड मेरे को है टू, टू दे विच देखो अपने कोल किन्ना दिता होया है, टू तो भी अपने की जाना है लैफ्ट वाल, राइट वाल नहीं जाना, सिर्फ ते सिर्फ लैफ्ट वाल जाना है। टू तो देखो जी उस तरफ लैफ्ट बोलता अपने राइट वाल जाना है, उदे विच देखो जी अपने कोल किन्ने लैटर्स है गया जेड़े दो तो छोटे हैं, दो तो छोटा तो सिर्फ एक ही लैटर है वन, थ्री तो बाद किन्ना आएगा टू, मतलब टू फैक्टोरियल प्लस, ठीक है। प्लस मेरे को किन्ना आ गया फोर, फोर तो फिर मैं उस तरफ गई जिस तरफ मैंने एरो लगाया हुआ है, किन्ने लैटर छोटे हैं फोर तो वन, तो मतलब वन आ गया, और वन टू तो बाद की आंदा वन फैक्टोरियल तो वन आ गया, प्लस वन तो बाद मेरे को कोई भी लैटर छोटा नहीं है, मतलब जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल। आ सारा कुछ करके मैंने लास्ट के विच की कर देना है, इस दे विच वन नू प्लस कर देना है ते कैलकुलेशन नू सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेशन नू सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाऊगा, सॉल्व हो जाऊगा वेरी वेरी इजी। तो इतने मेरे को किन्ना बन जाएगा जी, इतने मेरे को बन जाएगा टू इंटू सिक्स प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो, और लास्ट के विच की है प्लस वन, मतलब जो भी आंसर आएगा वो तुहाडा की हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि उन्ना रैंक है इस वर्ड का, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है यह चीज़ क्लियर होगी। बड़ी ही ईजीली इन्हों क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है,
कोई भी एनी अनदर एग्जाम्पल लै लो थोड़ा जा होर अंडरस्टैंड करन दे लई चीज़ां नू, कोई भी होर एग्जाम्पल लै लो, दो एग्जाम्पल्स लै लो, तीन एग्जाम्पल्स लै लो, तुसी अपने वालों कोई भी एक वर्ड चुको उसनू सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो हुण जिवें मैंने सैकेंड वर्ड लै लिया दैट इज टफ। ठीक है जी, मैंने अपने वालों कोई भी एक वर्ड लै लिया दैट इज टफ। हुण टफ नू सब तो पहला तो आप की करते हैं, टफ वर्ड नू सब तो पहला तो आप अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच अरेंज करते हैं। तो सब तो पहला की आएगा, जी आएगा, एच आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। तो इन्हों नाम दे दो, 1 2 3 4 5। तो मतलब जो टी है उसका केड़ा नाम हो गया जी, 4 हो गया, ओ का हो गया 3, यू का हो गया 5, जी का हो गया 1 एंड एच का हो गया 2। तो यह चीज़ा तो हमें क्लीयर हो गई, अगर हो गई दैन गुड। हूँ बस आप ने की करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने सब तो पहला तो फोन में चैक करो, फोर तो उधर देखो किन्ने इदा दे अखर है, नंबर है जेडे फोर तो छोटे ने। फोर तो छोटा 1 2 3 तीन नंबरस ने। ठीक है जी, अगर फोर तो छोटे तीन नंबरस ने तो बस उन्होंने लिख लो, फोर तो छोटे तीन नंबरस ने, तो मेरे को किन्ना आएगा जी उपर 3 आएगा। ठीक है जी, वेरी वेरी ईजी, 3 × 4 × देखो सीधी जी गल है, इतने मेरे को किन्ने लैटर सके, 4 लैटर सके। ठीक है, तो मैं इतने 3 × लेके चली हाँ, इतने मेरे को किन्ने लैटर्स ने, 5 लैटर्स ने, दैन 4 × मतलब एक नंबर माइनस करके। ठीक है, उस तो बाद प्लस मेरे को आ गया सैकेंड, सैकेंड मेरे को किन्ना है 3, और 3 दे विच तुसी देख सकते हो कि 3 तो बाद किन्ने नंबरस ने जेडे कि 3 तो छोटे ने, तो सिर्फ 2 नंबरस ने। 2 × 4 तो बाद किन्ना आएगा जी, 3 × आ जाएगा। हाँ जी, 2 × 4 तो बाद किन्ना आएगा, 3 × आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई इत्थे प्लस। ठीक है, तो उस तो बाद 5 तो बाद किन्ने नंबर्स ने, जो 5 तो छोटे ने, तो 2 नंबर्स ने जेडे 5 तो छोटे ने, × 2 × प्लस। उस तो बाद 1 तो बाद किन्ने नंबर्स ने जेडे छोटे ने, बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं हैगा, दैन 0 × 1 × प्लस। 2 तो बाद किन्ने नंबर्स ने, जो 2 तो छोटे ने, कोई नंबर नहीं हैगा, मतलब 0 × 0 × और प्लस मेरे को लास्ट दे विच की होएगा, 1 होएगा। इसनों सॉल्व कर लो, इतने मेरे को 4 × जो है वो किदे इक्वल हुंदा, 24 दे इक्वल हुंदा, तो इतने मेरे को आ जाएगा 72 + 12 + 4 + 0 + 0 एंड लास्ट दे विच भी की है +1। आई थिंक सो 89th रैंक जो है इस वर्ड का इन डिक्शनरी तो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके ना तुसी काफ़ी क्वेश्चंस ने जो खुद ब खुद एग्जाम्पल्स लैके भी सॉल्व कर सकते हो। हुण आपां उही गल कर रहे हैं, टॉपिक तो अपना सेम ही है, रैंक ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी। ठीक है जी, टॉपिक अपना सेम है, बट टॉपिक दे विच एक चेंज आ गया, पहला विदाउट रेपिटेशन से हुण विद रेपिटेशन है। मतलब अगर तुहाडे कोल जो वर्ड्स ने, जो अपने कोल वर्ड्स होणगे, उन्हां दे विच कुछ अपने कोल की हो रहे होणगे, रिपीट हो रहे होणगे, सो उन्हां नूं आपां किवें सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इत्थे अपना नाम लै लिया विच इज राविया, इत्थे मैंने देखा आर ए अवी आई ए, इस नूं लिख लिया। आई कैन ईजीली सी कि इहदे विच ए जो है वह रिपीट हो रहा, अगर रिपीट हो रहा तो इदां दे क्वेश्चन सॉल्व किवें करना है। तो सब तो पहला काम तो अपना सेम ही है, कोई भी ये दिक्कत नहीं हैगी, सारा प्रोसैस सेम है। देखो समझो इसन, तो ये देखो किमें करना है। सब तो पहला तो इसको अल्फाबैटिकल ऑर्डर के लिख लो, अल्फाबैटिकल ऑर्डर के जो लिखोगे तो ए सब तो पहला आ जाएगा जी, तो ए आ गया मेरे को, आ गया। ठीक है, हूँ अगर ए आ गया तो उस तो बाद मेरे को आएगा जी, उस तो बाद मेरे को आई आएगा। ठीक है, फिर उस तो बाद मेरे को किन्ना आएगा, आर आएगा, और उस तो बाद मेरे को किन्ना आएगा, वी आएगा, है ना। तो इन्होंने मैं नेम दे देनी है विच इज 1 2 3 & 4। ठीक है, सो जेकर मैं इतने इस नेम दवा तो मेरे को बन गया जी, मेरे को बन गया आर, जिसका मेरे को बन गया 3, आई ए मेरे को किन्ना है 1, वी मेरे को किन्ना है 4, आई मेरे को किन्ना है 2, और ए मेरे को किन्ना है 1। सारा कुछ बिल्कुल सेम किता है। ठीक है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसनों तुसे दो बार नहीं लिखोगे, उसनों एक बार ही लिखोगे। ठीक है, सो ए मेरे को हो गया जो प्रॉपरली ऑर्डर दे विच उसनों लिखना सी। हुण इहदे विच देखो, हुण आपने जो काम करना है, देखो 3 है, सब तो पहला 3 तो उधर वाल नज़र मारो, केड़े केड़े नंबर्स ने जेड़े मेरे को 3 तो छोटे ने, 1 2 3 तीन ने जी जेड़े 3 तो छोटे ने। ठीक है, तो तीन ने जेड़े 3 तो छोटे ने। ठीक है, और डिवाइड दे विच मैं इत्थे की लगा रही हूँ, 2 × भी लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि जेड़े इसनों इनकलूड करके लैके चलना है, इसनों इनकलूड लैके करके लैके चलना है। देखो पहला तो मैंने जस्ट इधर वाले ही नज़र मारी कि केड़े केड़े ने जेड़े इस तो छोटे ने, तीन नंबर ने। ठीक है, तीन मैंने लिख लिया। उस तो बाद इसनों इनकलूड करके मैंने देखा कि किन्ने केड़े ने जो रिपीट हो रहे हैं, केड़े ने जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसनों इंक्लूड करके मैंने चेक करना है कि रिपीट केड़े हो रहे हैं, 2। मैं इसनों बार बार इंक्लूड क्यों कह रही हूँ, मैं थोड़ा अगे जाके दसांगी। ठीक है, कि इस तो बाद मेरे को किन्ने ने जो रिपीट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ठीक है, बाकी फर्क कोई नहीं है, मेरे को किन्ने लैटर से टोटल
पांच लैटर से ठीक है जी, टोटल मेरे को किन्ने लैटर से पांच लैटर से तो इतने मेरे को किन्ना आ जाएगा फोर फैक्टोरियल आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सेम है काम सारा। ठीक है तो हम अगे चलते हैं, बाकी कोई नहीं होर एग्जाम्पल्स करांगे, बार बार करांगे तो समझ आ जाना है। ठीक है मैंने नहीं लगता ये डिफिकल्ट है, बाकी स्टिल आप एग्जाम्पल्स होर करांगे। सेकंड अगर आप गल करिए वन तो उधर जाने हैं, वन तो उधर देखते हैं किन्ने नीचे जो रिपीट हो रहे नहीं, आई थिंक सो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सॉरी कोई भी वन तो छोटा नहीं है, वन तो छोटा कोई नहीं है, इट मीनस इतने किन्ना आएगा जीरो आएगा। हम डिवाइड के किन्ना आऊगा तुम कहोगे मैम ये नीचे तो उपर तो जीरो है कुछ मर्जी लिख दो, बट समझना जरूरी है जो आप चेक करते हैं ना कि रिपीट किन्ने हो रहे हैं, तो वह उस नंबर को इनकलूड करना जरूरी है। हम इसे इनकलूड करन तो बाद इन चारों के देखो जी किन्ने रिपीट हो रहे हैं, तुम कहोगे मैम दो रिपीट हो रहे हैं, दैन बिल्कुल नीचे किन्ना आएगा टू फैक्टोरियल आएगा और इंटू के किन्ना आएगा थ्री फैक्टोरियल आएगा। ठीक है प्लस फोर तो बाद देखो जी छोटे किन्ने ने, दो छोटे ने, ठीक है अगर दो छोटे ने दैन मेरे को उपर कि आ गया टू आ गया, डिवाइड के देखो फोर तो बाद देखो जी रिपीट कि हो रहा। हूँ इतने तुम्हें यह नहीं कहना कि दो रिपीट हो रहे हैं, नहीं फोर तो बाद ते फोर नू इनकलूड करके किन्ने रिपीट हो रहे ने, वन तो पहला लंघ चुकिया। ठीक है तो जस्ट इन्हां तिन्हां दे विच किन्ने रिपीट हो रहे ने, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो ना लिखो वन फैक्टोरियल लिख लो, चाहे ना लिखो थोड़ी एज विश है। ठीक है तो मल्टीप्लाई मेरे को किन्ना आ जाएगा टू फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है जी उस तो बाद मेरे को किन्ना आ गया प्लस टू तो बाद मेरे को किन्ने छोटे ने, टू तो बाद छोटे मेरे को है गया वन और रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, तो सिंपल पहला वर्ग का काम आ गया वन फैक्टोरियल और वन तो बाद मेरे को किन्ना आ जाएगा जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल और लास्ट के किन्ना आ जाना है वन। इसनों सोल्व कर लो, सोल्व करके तो हड़े कोल की आ जाना है आंसर आ जाना है। तो मेरा इतने मेन मकसद की सी थानू ए चीज़ समझाना कि किस तरीके ना तुसी क्वेश्चंस नू लेटर्स नू लेना है। ठीक है एक होर एग्जाम्पल कर दें थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जूगा, एक होर एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन तो आई थिंक सो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि आराम नाल की जा सकती है, अगले क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी कर लाँगे। ठीक है लेट गूगल लगा लो है ना, गूगल जी डबल ओ जी एल ई गूगल। हम गूगल तो आप सारा कुछ सर्च करते हैं तो गूगल तो आप भी देख लें कि इसका रैंक कितना है डिक्शनरी के। सब तो पहला तो इसको आप अल्फाबैटिकल ऑर्डर के लिखांगे, अल्फाबैटिकल ऑर्डर के सब तो पहला ई आएगा, जी आएगा, फिर एल आएगा, ओ आएगा, बाकी सारे रिपीटेड ने। तो इतने मेरे को कितना आ गया वन टू थ्री फोर, तो इन्हों नाम दे लिए जी आप बिल्कुल दे देने, जी केड़ा है टू, ओ केड़ा है फोर, फोर टू एंड थ्री एंड वन है ना, यही चीज़ मान गई टू डबल फोर टू थ्री वन है ना। हुण इहनूं आपां किवें लैके चलना है, इहदे विच सब तो पहला तो देखो जी मेरे को किन्ना आ गया टू तो उधर वल मैंने नज़र मारी कि केड़े केड़े ने जिहड़े टू तो छोटे केड़े केड़े ने जी, इत्थे आपां हाँ ये वाला पहला लैने, टू तो छोटे केड़े केड़े ने, टू तो छोटा कोई भी नहीं है जस्ट वन है, ओनली वन इज हेयर, तो मैंने इत्थे किन्ना लिख लिया वन लिख लिया, वन लिख लिया। ठीक है हुण डिवाइड दे विच मैंने देखिया कि इहनूं इनकलूड करदे हुए किन्ने ने जो रिपीट हो रहे ने, तो मैंने देखा जी एक तो आ रिपीट हो रहा मतलब टू फैक्टोरियल, ठीक है, और एक मैंने देखा कि आ रिपीट हो रहा मतलब अगेन टू फैक्टोरियल। ठीक है समझ गए कि दो फैक्टोरियल दो बारी क्यों आया, क्योंकि दो बारी चीज़ा रिपीट हो रही ने। ठीक है और इनटू मेरे को की लगेगा तुसी आप ही समझदार हो, फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि टोटल छे लैटर्स मेरे को है, तो मतलब मेरे को किन्ना हो गया फाइव फैक्टोरियल हो गया। ठीक है जी प्लस प्लस करिए अगे चलिए अगे चलते हैं, पहले इसनों थोड़ा साफ कर ला। ठीक है हाँ जी तो हूँ ये मैंने अगे नज़र मारनी है, वो नज़र कि तो मारनी है फोर तो बाद मारनी है ना, तो फोर तो बाद देखो जी किन्ने ने जो फोर तो छोटे ने, तो फोर तो छोटा है गया वन टू थ्री तीन ने, तो मतलब उपर कि आ गया थ्री आ गया। डिनोमीनेटर के इसनों इनकलूड करते हुए मतलब जस्ट इन्ने एक पोर्शन के देखो किन्ने रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने वाला जस्ट फोर है। ठीक है मतलब टू फैक्टोरियल आ गया, होर कोई रिपीट नहीं हो रहा, हूँ इतने टू नू नहीं लेना क्योंकि टू एक बार लंघ चुके हैं। ठीक है तो हूँ इतने रिपीट होने वाले जस्ट इन्ने के किन्ने ने टू ही ने, फोर फोर दो बारी हो रहे हैं बस, होर कोई नहीं हो रहा, तो मतलब कि आ गया टू फैक्टोरियल आ गया। ठीक है सो इसमें भी आप साफ कर देने, तो उस तो बाद अपने को किन्ना आ गया जी इंटू, थोनू पता ही है किन्ना होएगा इंटू मेरे को होएगा फोर फैक्टोरियल, क्लियर है। ठीक है उस तो बाद अगे चलते हाँ, अगे मेरे को अगेन फोर तो छोटे किन्ने ने, फोर तो छोटे तो मेरे को तीन ने, तो तीन आ जाएगा। हूँ डिनोमीनेटर के मैंने देखा इसनों इनकलूड करते हुए मतलब जस्ट इन्ने पोर्शन च किन्ने रिपीट हो रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सो डिनोमीनेटर च चाहे वन फैक्टोरियल लिखना है एज विश है लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो, तो इंटू कि आ गया थ्री फैक्टोरियल आ गया। ठीक है प्लस प्लस उस तो बाद मेरे को किन्ना आ गया जी, प्लस उस तो बाद मेरे को आ गया सॉरी इतने आ भी चला गया इतने डबल ओ सीगा। ठीक है तो उस तो बाद मैंने देखना टू तो बाद किन्ने छोटे ने, टू तो बाद वन छोटा है, रिपीट कुछ हो नहीं रहा, इंटू मेरे को किन्ना हो जाएगा टू फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है और प्लस
थ्री तो बाद किन्ने छोटे ने, एक छोटा है, रिपीट कुछ हो नहीं रहा, तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं आऊगा, इंटू वन फैक्टोरियल प्लस वन तो बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल, लास्ट के प्लस वन। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो किन्ना बन जाएगा जी, मेरे को बन जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री अपॉन टू, ठीक है, प्लस फोर इंटू थ्री इंटू थ्री, है ना, इतने मेरे को बन गया सिक्स थ्री जै एटीन, है ना, तो मतलब कुल मिला के सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है और इस दे कुछ है नहीं, कैलकुलेशन करो सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो मेरे को कि बन गया जी, पहला बन गया थर्टी, दूसरा मेरे को बन गया नाइन थर्टी सिक्स प्लस एटीन प्लस थ्री प्लस वन, ठीक है, तो मेरे को कि बन गया, मेरे को बन गया सिक्स नाइन नाइन टेन एट एंड थ्री सिक्स सेवन एट, ठीक है, तो 88th रैंक मेरे को इतने आ गया। इस तरीके नाल तुसी रैंक वाले क्वेश्चंस नू कर सकते हो, रिपीटेशन है नहीं रिपीटेशन है कुछ भी ओदे विच डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी एदे विच डिफिकल्टी नहीं आऊगी, आराम नाल क्वेश्चंस नू किता जा सकता है। ठीक है, अगर थोड़े कोल कोई लैटर मोर दैन टू, जिवें इत्थे तां आपां लए आ दो फैक्टोरियल, है ना, कोई लैटर मान लो इत्थे ओ मेरे को तीन वारी आ रहा सी, तां दो दी जगह तीन फैक्टोरियल लै लो, जेड़ा लैटर जिन्नी बारी रिपीट हो रहा उन्ना ही तुसी लाओगे। ठीक है, अगर कोई लैटर तीन बारी रिपीट हो रहा है तो डिवाइड दे विच तीन फैक्टोरियल आएगा, जेकर लैटर चार बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड दे विच फोर फैक्टोरियल आएगा। इजी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, हुण आपां गल करदे हां, कई बारी आपां नूं लैटर दिता हुंदा, ठीक है, वर्ड दिता हुंदा, सॉरी, उसका आपां डिक्शनरी दे विच, सॉरी, रैंक आपां नूं फाइंड आउट करन लई कह दिंदे आ, है ना, सॉरी, चलो क्वेश्चन ही ला लें, मैं इतने देख लैनी है एग्जाम्पल कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिता हुआ इन्होंने फिफ्टीथ, अच्छा ठीक है, रैंक मैंने गिवन है, ठीक है, और मैंने फाइंड आउट करना है कि जेकर फिफ्टीथ रैंक की गल करिए तो दसो जी इस वर्ड के अकॉर्डिंग फिफ्टीथ रैंक कितना बनेगा। लैट मैंने दिता हुआ एक वर्ड पैरिस दिता हुआ, ठीक है जी, एक वर्ड दिता हुआ विच इज पैरिस, ठीक है, कहिंदे इस पैरिस नू अगर डिक्शनरी दे अकॉर्डिंग अरेंज करो, अरेंज करके मैनू दसो कि जिहड़ा 50th रैंक होएगा उत्थे केड़ा वर्ड आएगा। ठीक है, 50th रैंक होएगा उत्थे केड़ा वर्ड आएगा, तो सब तो पहला काम तो आपां ने यही करना है, की करना है, इसनू अल्फाबैटिकली अरेंज करना है। अल्फाबैटिकली अरेंज करोगे सब तो पहला की आएगा, ए आएगा, फिर आएगा आई, फिर आएगा पी, फिर आएगा आर एंड फिर आएगा एस, इस तरीके नाल अल्फाबैटिकली अरेंज हो जाना है आराम नाल। ठीक है, तो ये तो कोई डाउट नहीं है कि जेडे भी सारे लैटर स्टार्टिंग दे विच बनेंगे उहदे विच पहला लैटर ए होएगा, पिछले चार लैटर वास्ते थोड़े कोल किन्ने वेज बन गए, फोर फैक्टोरियल बन गए, मतलब 24, मतलब पहले 24 लैटर्स वह होंगे जिदे विच सब तो स्टार्टिंग वाला वर्ड ए होएगा, बट आपां तां 50th फाइंड करना है तो थोड़ा सा होर अगे जाना पौगा, तो अगे चाहो कि अपने कोल केड़ा वर्ड स्टार्ट हो जूगा, आई हो जूगा, आई तो बाद भी किन्ने वर्ड्स आएंगे, चार वर्ड्स आएंगे, चार लैटर्स आएंगे, सॉरी, तो इन्हां दे भी किन्ने वेज बन गए, 24 बन गए। ठीक है, तो टोटल मेरे को किन्ने हो गए, 48 हो गए, मतलब पहले 48 लैटर्स दे विच स्टार्टिंग वाला वर्ड ए होएगा एंड स्टार्टिंग वाला वर्ड आई होएगा, बट मैंने 50th फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब काफी क्लोज आ गए हूं आप, हूँ अपने को होएगा पी तो स्टार्ट हो गया चीजा, तो ऑप्शन दे विच इलीमिनेट करना शुरू कर दो, अगर कोई लैटर पी तो नहीं स्टार्ट हो रहा ऑप्शन नूं उत्थे कांटा मार दो। ठीक है, तो हूँ ऑप्शन दे विच जिहड़ा अगला वर्ड होएगा वह की होएगा पी तो स्टार्ट होगा, तो आप अल्फाबैटिकली ऑर्डर दे विच अरेंज किवें करते होंगे, चलो पी अपने को फिक्स हो गया, तो पिछे केड़े लैटर्स बच गए, ए बच गया, आई बच गया, आर बच गया, एस बच गया, है ना, तो उस तो बाद पी तो बाद मेरे को ऑब्वियस जी गल है अल्फाबैटिकली सब तो पहला की आंदा है ए आंदा है, तो मतलब इतने मेरे को किन्ना आएगा ए आएगा। ठीक है, ए आएगा, उस तो बाद मेरे को की आंदा है आई आंदा है। ठीक है, मतलब बुरे मेरे को किन्ना आएगा आई आएगा, फिर मेरे को किन्ना आएगा आर आएगा, फिर मेरे को एस आएगा, मतलब ए मेरे को केड़ा होएगा, ए मेरे को 49th वर्ड होएगा, समझ रही हो, मैंने 49th वर्ड किवें बनाया, मैंने 48 वर्ड पहले बना के नहीं देखे, उहदे विच जस्ट मैंने वेज नूं चेक किया कि इन्ने वेज दे जेकर एस्टीमेट लगाया जाए तो पहले 24 ए वाले होणगे, अगले 24 ए, मैनूं किसी नाल कोई मतलब नहीं, मैंने 50th रैंक फाइंड आउट करना है जस्ट। ठीक है, तो हुण इस तो बाद वाला केड़ा डिजिट होगा, इस तो बाद वाले डिजिट दे विच देखो पी तां फिक्स रहूगा, है ना, ए भी फिक्स रहूगा, आई भी फिक्स रहूगा, बट यह दोनों आपस दे विच चेंज हो जाएंगे, क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच जदों भी तुसी अरेंज करते हो तो सब तो पहला तो थोड़े को अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे अकॉर्डिंग ही आंदियां ने चीज़ां। ठीक है, हुण इहदे विच तुसी देखिया कि जदों आह कंप्लीट हो गया उस तो बाद थोड़े को हो जाएगा एस अगे चला जाएगा आर पिछे चला जाएगा, तो मतलब ये मेरे को केड़ा हो गया, ये मेरे को 50th वर्ड हो गया, मतलब जेकर मैं फाइंड आउट करा मेरे को केड़ा होएगा 50th वर्ड पैट्स के अकॉर्डिंग
आ वाला होएगा जी, यही मेरा की होगा आंसर होगा। इस तरीके ना तुसे अपने क्वेश्चंस नु की करना है, सॉल्व करना है एंड फाइंड आउट करना है कि तुहाडा आंसर केड़ा सही है। ठीक है जी, तुहाडा आंसर केड़ा सही है। ए हैगा अपना रैंक वाला टॉपिक। रैंक वाला टॉपिक इंपोर्टेंट है, ऐदा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनते, डिपेंड करते एग्जामिनर के उपर, बना भी देंगे या नहीं भी बना देंगे। एक एग्जाम्पल होर कर दें ताकि थोड़ा जहाँ थोड़ा डाउट हो क्लीयर हो जाए, तो उस तो बाद इस वीडियो में इतने स्टॉप करके कंप्लीट करा। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाना है। इस तो इलावा जेकर तुसी कोई भी हुण यही लै लो एग्जाम्पल, पैरिस ही लै लो। ठीक है, लैट मैंने दिती हुई है पैरिस, पैरिस की एग्जाम्पल दिती हुई है। ठीक है जी, हुण इहदे विच मैनू कह दिता कि इहदा 62nd रैंक फाइंड आउट करो, है ना। थोड़े स्टूडेंट्स माइंड दे विच आ रहा होना मैम ने तो ईजी जिहा लै लिया 50th लै लिया, मैम कोई विच विचाले वाला लै लो, तो विच विचाले आपां लै लैंदे आ 62nd लै लैंदे आ, है ना। 62nd दे विच सब तो पहला काम तो अपना उही होएगा जी जो ऑलरेडी हैगा, की काम हैगा अपना, इसनों पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट देनी अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच, ए आई पी आर एस। ठीक है, ए आई पी आर एस दे विच इसनों अरेंज किया, तो मैंने एक चीज़ का मैंने पहला ही एस्टीमेट लगाई सी कि जेडे पहले 4 factorial मतलब पहले 24 लैटर्स होंगे और मेरे को ए नाल स्टार्ट होंगे, डजेंट मैटर, मैंने तो 62nd फाइंड करना है। फिर अगले जेडे आई नाल फाइंड होंगे, आई दे नाल जेडे भी होंगे और मेरे को किन्ने होंगे 24 होंगे अगेन, तो मतलब टोटल मेरे को पहले 48 लैटर्स मेरे को निकले आए। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं पी की गल करा तो पी दे नाल किन्ने हो जाएंगे जी, अगर मैं ध्यान ना सोच के देखा तो पी दे नाल भी तो 24 हो जाएंगे। अच्छा, ये 24 ऐड करोगे तो किन्ना बन जाएगा, तो टोटल किन्ने लैटर्स हो गए मेरे को, टोटल लैटर्स हो गए 72। ये तो अगे चला गया, मैंने अगे नहीं जाना, मैंने 62nd फाइंड आउट करना है, सो इसनों इरेज कर दो इतने। ठीक है, इसनों इतने इरेज कर दो कि आप इन्नी अगे नहीं जाना, क्योंकि आपने की फाइंड करना है 62nd फाइंड करना है, क्योंकि जो आप पी के भी सारे अरेंजमेंट्स कर ले आप अगे चले जावे। हुण इहदे विच देखो, इहदे विच आपां फिक्स कर लैंदे आ, इहदे विच एक लैटर होर फिक्स कर लैंदे आ, मैनूं इन्ना तो पता है कि पी तो बाद कुछ लैटर इदां दे होणगे जिहदे विच सब तो पहली जगह ए ने लई होगी, क्योंकि अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे विच ए आंदा है, है ना। तो ए ने लई होगी तो मतलब पिछे मेरे को किन्ने वेज रह गए, 3 वेज रह गए, 3 factorial बन गया, तो मतलब 6 तो मेरे को किन्ने बन गए जी, 48 + 6 किन्ना होंदा 54, मतलब पहले 54 वर्ड्स बन गए मैनूं। ठीक है, अगे चलते हैं, अगे जेकर मैं गल करा तो ए तो बाद सैकेंड जगह किने लई होगी, आई ने लई होगी। ठीक है, तो ये 3 factorial बनन गए, क्योंकि इतने कुछ भी आ सकता है, 3 वेज बन गए, 6 वेज बन गए, तो मेरे को किन्ने बन गए, टोटल 60 बन गए, तो क्लोज आ गए। हुण आपां नूं बनाने पैणे आ, हुण जदों आपां गल करिए, मैंने की किया, मैंने हुण अगला जिहड़ा भी वर्ड आऊगा पी तो बाद, आई भी लंघ गया, ए भी लंघ गया, तो उस तो बाद कीड़ी जगह आऊगी, आर की जगह आऊगी, तो इन्ना एक एस्टीमेट लगा लो कि जिहड़ा थोड़ा वर्ड आएगा वह पी आर तो बाद होगा। आर तो बाद सब तो पहला की आऊगा, ए आएगा, फिर आई आऊगा, फिर एस आऊगा। ठीक है, यही होंगे अल्फाबैटिकल ऑर्डर। तो मेरे को केड़ा बन गया, 61st बन गया, 61st तो मैंने चाहिए ही नहीं। ठीक है, मैंने केड़ा चाहिए, 62nd चाहिए, आर तो बाद ए आएगा। जेकर थोड़ा पजल होंगी है ना 61 तो बाद 62nd कढ़न की, तो इन्होंने चाहे उल्टा दिया करो, तो यह मेरे को बन गया, यह मेरे को 62nd बन गया। ठीक है जी, ये मेरे को 62nd वर्ड आ गया, यही मेरे को आंसर हो गया मेरा। क्लीयर है, उम्मीद है ये टॉपिक तुहानू प्रॉपरली क्लीयर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड रैंक विद रैपीटेशन, विदाउट रैपीटेशन, रैंक दिता होया वर्ड फाइंड करना है किवें तुसी इन्हां क्वेश्चंस नूं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तो बाद अगर गल करिए थोड़ा जहा आइडिया दे देने आ, परमुटेशन कंबीनेशन की कुछ रह गया अपना, अपना सर्कुलर परमुटेशन रह गया, सर्कुलर परमुटेशन रह गया। अच्छा, मैं कहनी हूँ सर्कुलर परमुटेशन आप कर ही लैंने, है ना, इस वीडियो के विच ही कर लैंने, फिर अपना परमुटेशन कंप्लीट हो जूगी सारी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में थोड़ा होर लैके चलते हैं, तो इस विच ही डिस्कस करते हैं आप सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन दे विच की होंगे, देखो एक फर्क होंगे, एक हुण तक जिहड़ी भी परमुटेशन आप करके आए हैं दैट इज लीनियर, लीनियर ते सर्कुलर परमुटेशन की फर्क होंगे। लीनियर दे विच तुहाडा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, बट सर्कुलर दे विच की होंगे, सर्कुलर दे विच तुहाडा स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे और एंडिंग पॉइंट भी सेम होंगे, कोई इन्हां दे विच फर्क नहीं होंगे। ठीक है, एज अ फॉर्मूला तुसी याद रख सकते हो, एज अ मैथड तुसी याद रख सकते हो कि जो भी तुसी परमुटेशन फाइंड आउट करते हो किसी भी लीनियर दी, लीनियर का मतलब एक लाइन दे विच हो गया, जो हुण तक जो भी क्वेश्चंस किते हो लीनियर दे ही सी। ठीक है, तो उहदे विच आपां की मैथड लगांदे सी, एन फैक्टोरियल दा लगांदे सी, बट अगर आपां गल करिए सर्कूलर दी, तां सर्कूलर दे विच जदों तुसी परमुटेशन बनाउंदे हो तां उहदे विच हुंदा है जी एन माइनस वन द फैक्टोरियल। एक केड़ा केस घट जाता है, वह केस घट जाता है जो तुहाडा सैकेंड स्टार्टिंग पॉइंट ते एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ठीक है, जो तुहाडा स्टार्टिंग पॉइंट ते एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है तो उत्थे थोड़े कोल एक केस घट जाता है, जिहदे करके सिंपल जी गल है थोड़े कोल की बनती है सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला, यह बनता है। ठीक है,
क्लियर है एज इट इज़। इसमें याद रखना है, रख लो, कोई एडा पजल वाला काम है नहीं, सिंपल जे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल जे तरीके इसमें सॉल्व करना होंगे। एक ये याद हमेशा ये रखना है कि कोई भी अगर थानू क्वेश्चन आ जाता है तो स्टार्टिंग दे विच सर्कुलर लगाओ, उस तो बाद लीनियर वाला कॉन्सैप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। किवें, एग्जाम्पल लैके दसते हैं। इस तो पहला यह भी थोड़ा दसना जरूरी है कि जो भी आप सर्कुलर की गल करते हैं तो क्लोकवाइज से एंटी क्लोकवाइज कितने ना कितने आ जाता होंगे। एक होंगे क्लोकवाइज, एक होंगे एंटी क्लोकवाइज। एंटी क्लोकवाइज क्लोकवाइज जिथे ये चीज़ा मैटर कर दया ने, हुण तुसी कहोगे मैम प्लीज़ दस दो कितने कितने मैटर कर दया ने, दैन इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि जिमें तुसी डिनर करन दे लई आप बैठते हैं सर्कूलर टेबल दे उपर बैठ गए आप, है ना, एक डिनर करन दे लई जां एज फ्रेंड्स आप सर्कल बना के बह जाने कोई भी गेम खेडन दे लई जां कोई मीटिंग हुंदी है सर्कूलर टेबल हुंदा उत्थे आप बह जाने हाँ, तो यह सारा कुछ उत्थे मैटर करता है कि तुसी क्लोकवाइज डायरेक्शन दे विच बैठे हो जां एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन दे विच बैठे हो, क्योंकि परसनस ने जेकर ए कोई परसन है तो इत्थे बैठा है, बी इत्थे बैठा है, सी इत्थे बैठा है, तो डायरेक्शन मैटर कर जाती है। जो डायरेक्शन मैटर करती है तो तुम उत्थे केड़ा फॉर्मूला लगाओगे जी, एन माइनस वन वाला लगाओगे, बट सम टाइम क्लोकवाइज से एंटी क्लोकवाइज मैटर नहीं करता। हूँ तुम कहोगे मैम इदा की केड़ी चीज़ होगी, जिवें अपना नैकलेस लगा लो, बीड्स का बनया हुआ होंगे, है ना, फीमेल्स नूं तां पता ही होएगा कि सेम बीड्स होंगे ने, तुसी उसनू चाहे इस तरफ नाल देखो या इस तरफ तो देखो कोई भी फर्क नहीं पैंदा, तुहानू सेम ही लगेगा। मतलब उस केस दे विच की हो गया, क्लोकवाइज से एंटी क्लोकवाइज मैटर ही नहीं किया, डजन मैटर, ठीक है जी, मैटर ही नहीं कर रहा। जो ये मैटर नहीं कर रहा तो उदो थोड़े को जो मैथड होएगा वो मैथड की होएगा, वो थोड़े को होएगा एन माइनस वन बाय टू, एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू। ए रीजन क्योंकि ये अपने को हाफ हो जाता है, ठीक है, क्लोकवाइज से एंटी क्लोकवाइज दीजा अपने को हाफ हो जाता है, तो क्लीयर है एज अ फॉर्मूला, इसको याद रखो, ज्यादा डिटेल जावे तो पजल हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को हो गया सर्कूलर, ठीक है जी, लीनियर लई तुसी हमेशा ए यूज करते हो, और अगर क्लोकवाइज से एंटी क्लोकवाइज मैटर ही नहीं करता तो तुसी ए फॉर्मूला लगाना है। यही है सिंपल जी अपनी सर्कूलर परमोटेशन, ठीक है। हुण इहदे विच फॉर एक एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल लै लो, जिमें कि मैंने दे दिता कि फाइव, ये काफ़ी पॉपुलर जी एग्जाम्पल है, फाइव बॉयज़ ने फोर गर्ल्स ने कहा इन्होंने सर्कूलर वे दे विच बिठाओ, बट फोर गर्ल्स ने जिहड़ियां वो टूगैदर नहीं बैठनियां चाहिए। तो पहला देखो एक सर्कल है, इस सर्कल दे विच अपने को दिता होया है फाइव बॉयज़ पहला कितने भी बैठ सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, लैट दीज आर द प्लेसिस फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फाइव बॉयज के बैठन की जगह होगी, क्योंकि यह सर्कूलर वे बैठे ने तो इन्हों की जी अरेजमेंट्स होनगियाँ ओनली बॉयज दियाँ, तो वह की होनगिया फाइव माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि लिविंग थिंग्स है परसनस ने तो क्लोकवाइज से एंटी क्लोकवाइज का पूरा फर्क पैंता है, तो करके अपने को होएगा ए होएगा, ठीक है, फोर फैक्टोरियल। हुण अगर आप गल कर लिए कि गर्ल्स इन्ना टूगैदर नहीं बैठनिया चाहिए, गर्ल्स अगर टूगैदर नहीं बैठनिया चाहिए तो उन्होंने प्लेसिस कि हो गए, आ वाले प्लेसिस हो गए वन टू थ्री फोर, सॉरी फाइव प्लेसिस हो गए जिथे गर्ल्स बैठ सकते हैं, बट गर्ल्स है कि ने फोर। याद करो मैं थोड़ी देर पहला एक लाइन बोली सी, की बोलिया सी उस दे विच कि पहला स्टार्टिंग वाला काम तुसी करना है, जो भी क्वेश्चन आंदा है स्टार्टिंग तुसी करनी है सर्कुलर दे विच सर्कुलर परमोटेशन लगा के, उस तो बाद जिहड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लीनियर दे विच करना है, ठीक है। तो हुण तुसी इत्थे पजल नहीं होना, इत्थे तुसी हुण गर्ल्स वास्ते किहड़ा कॉन्सैप्ट लगाओगे, लीनियर वाला लगाओगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स किहड़ियां होणगियां जी, अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स होणगियां पांच प्लेसिस ने फोर गर्ल्स ने, सीधी जी गल है फाइव पी फोर पी, मतलब या फिर तुसी फाइव फैक्टोरियल भी कह सकते हो, तो टोटल कितना हो गया। हुण दोनों नू नाल लैके चलना, दोनों च काम इकट्ठे करने हैं, तो दोनों की हो जूगी मल्टीप्लाई हो जूगी, तो यही अपना की हो जूगा आंसर हो जूगा, ईजी समझ गए। तो इन्ना इस तरीके नाल तुसी अपने क्वेश्चन नू की कर सकते हो सर्कूलर परमोटेशन दे विच सॉल्व कर सकते हो, बस आही तीन फॉर्मूलाज ने जिहड़े सर्कूलर परमोटेशन नू की करते हैं, तीन भी नहीं दो ही ने, एक तो लीनियर ही है, ठीक है, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्लीयर है जी। इस तो बाद अपनी परमोटेशन इतने कंप्लीट होंगी है, तो इस तो बाद जो शुरू होएगा वो होंगी अपनी कॉम्बीनेशन, इस तो बाद जो नैक्सट क्लास होएगी उस आप कॉम्बीनेशन स्टार्ट करांगे, कॉम्बीनेशन की है किदा किवें है सारा कुछ वो डिस्कस करांगे, ठीक है, क्लियर है। क्लास पसंद आई तो जरूर करियो शेयर अपने फ्रेंड्स के नाल, ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू।